झाबुआ जिले में गुरुवार 23 जनवरी को नगरपालिका कार्यक्रम झाबुआ जिले में गुरुवार 23 जनवरी को नगरपालिका कार्यालय में शहर विकास एजेंडे को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य रूप से विधायक कांतिलाल भूरिया शामिल हुए। विकास एजेंडे में करीब 16 बिंदु रखे गए, जिसमें सबसे प्रमुख बस स्टैंड का विकास करना और नल जल समस्या रही। नगरपालिका सीएमओ ने बताया कि शहर का बस स्टैंड आधुनिक बनाया जाएगा, दुकानों को तोड़कर 3 मंजिला नवीन भवन बनाया जाएगा, जिसमें पहले तल पर 63 दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा। वहीं दूसरी मंजिल पर करीब 75 दुकानें आवंटित होगी, साथ ही बेसमेंट भी बनाया जाएगा। यहां पर 2-व्हीलर और 4-व्हीलर पार्किंग की सुविधा रहेगी। इस दौरान समस्त पार्षद मौजूद थे। झाबुआ से प्रेम सहयोगी की रिपोर्ट। आज नगर पालिका की बैठक हुई थी, उसमें शहर के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दे भी रखे और एजेंडा भी बनाया गया, और हर जगह अच्छा काम हो, सीसी रोड हो, सब डामरीकरण हो, वहाँ पर नालियाँ अच्छी साफ सुथरी बने, और यहाँ पर नगर पालिका का बस स्टैंड हमारा आधुनिक बनने जा रहा है। आदर्श रेलवे बस स्टैंड बनाने के लिए हमने राज्य सरकार से 11 करोड़ की स्वीकृति दिलवाई थी, और उसी का पूरा रूपरेखा तैयार करके आज यहाँ पर बोर्ड में रखा गया, और उसका हाउसिंग बोर्ड उसका पूरा काम करेगा और उसकी देख रेख में बनेगा। और एक अच्छा है बस स्टैंड, बाहर वाले आके देखेंगे कि यार स्टैंड लोगों को बैठने के, गाड़ी खड़ी करने की, अंडरग्राउंड भी आपका मना पार्किंग रहेगा, वो सारी चीज़ें का यहाँ पर खुलासा हुआ है। उसी तरह से हमको काम करना है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा कि झाबुआ को एक आदर्श शहर बनाना है, ताकि कोई कमी नहीं रहे। जितने भी पाइपलाइन जहाँ जहाँ बहुत सारी कॉलोनियाँ बन गई हैं, कॉलोनियाँ भी अभी विकसित नहीं हो पाई है, वहाँ भी काम हो। वहाँ पर पानी भी भेजना है, पानी भी नहीं पहुँच पाया, उसको भी पानी पहुँचाना है, ताकि ये सारी चीज़ें करने के लिए आज यहाँ पर नगर पालिका में निर्णय हुआ है। निश्चित ही वो निर्णय लागू कराएंगे, और जहाँ जहाँ नगर पालिका को दिक्कत आएगी राज्य स्तर पर, सरकार के स्तर पर, उसको हम फॉलोअप करेंगे और उनको धनराशि कोई कमी नहीं आने देंगे, ये हमने यहाँ पर मीटिंग में तय किया है। सर, जो पेयजल योजना है कभी तक मुआवजा नहीं मिला, तो आप सब किस तरह? पेयजल योजना जो डैम बन गया है, पाइपलाइन बिछ गई है, पाइपलाइन बिछ गई है, और वहाँ पर जहाँ जहाँ पाइपलाइन आई तो उसके मुआवजा देना है। 2 करोड़ के आसपास के पैसा है, वो भी राशि स्वीकृत हो गई है, वो भी हम जारी कराने के लिए हम अभी बीच में गए थे, मैं बोल आया हूँ, तो राशि आते उनको जितने भी जमीन वालों को उनको बढ़ जाएगी, और वहाँ से विधिवत पानी आना शुरू हो जाएगा, ताकि हमारे नगर पालिका नगर शहर में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी, ये भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जमीन का जो जिस जमीन में आया, जमीन को मुआवजा देना है। पाइपलाइन का क्या मुआवजा? पाइपलाइन तो गड़ गई है, नहीं लोगों की जमीन का पाइपलाइन तो आगे खरीद के गवर्नमेंट ने उसको मतलब अंडरग्राउंड भी कर दिया, अब वहाँ से मुआवजा मिलेगा फिर पानी चालू करेंगे, नहीं तो किसान के हम पर मुआवजा दो। तो ये भी सारी चीज़ें हुई है, तो निश्चित ही एक अच्छा काम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। शासन की योजना है पुनर्घनीकरण योजना के तहत ये बस स्टैंड का काम पूरा लिया गया है, और इसी के तहत ये निर्माण करा के दिया जाएगा। क्योंकि जो प्रस्तावित जमीन है जो बिल्डर को दी जाएगी, उसके बदले बिल्डर ये कंपोजिट प्रोजेक्ट है, इसमें गवर्नमेंट को पैसा नहीं लगाना है, इसको जो बिल्डर को जो जमीनें दी जाएगी उसके बदले ये कॉम्प्लेक्स बना के पूरा दिया जाएगा। इसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वेस्ट नहीं रहेगा, गवर्नमेंट को सिर्फ जैसे जैसे बिल्डर अपने बिल्डिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट करता जाएगा उसको जमीन वैसे वैसे उनको कराई जाएगी। जो चिन्हित जमीन है, चिन्हित जमीन की गई वो दी जाएगी। दुकानें सर चूंकि हम कॉम्प्लेक्स बना के देंगे, कॉम्प्लेक्स पूरा निर्माण होने के बाद हम नगर पालिका को वो दुकानें सौंप देंगे, कॉम्प्लेक्स सौंप देंगे, वो नगर पालिका परिषद अपना निर्णय लेके जो भी हो किस तरह आवंटित की जाना उनके ऊपर निर्भर कर, चूंकि नगरीय प्रशासन बड़ा एक विभाग है और जिसमें नोडल एजेंसी खुद है नगरीय प्रशासन, तो अपना स्वतः निर्णय लेगी। कितना समय लगेगा सर? प्रोजेक्ट निर्माण के लिए 24 महीने का टाइम है, पर चूंकि लीगल में कुछ ये प्रॉब्लम हो रही है इसलिए प्रोजेक्ट में विलम्ब हो रहा है। कब से शुरू होगा सर? जैसे ही नगर पालिका के NOC होगी फिर इसके प्रोजेक्ट इसका अप्रूवल के लिए, चूंकि प्रारंभिक प्रोजेक्ट अप्रूवल हो चुका है तो जिसका अंतिम DPR होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पर बस अर्थ कि नगर पालिका NOC अपनी दे दे प्रोजेक्ट आगे फॉरवर्ड। पार्किंग व्यवस्था भी है? पार्किंग व्यवस्था करीब 150 वाहनों की पार्किंग है, 70 वाहनों की 4-व्हीलर पार्किंग है, और करीब 100 से ऊपर 2-व्हीलर पार्किंग है बेसमेंट में। BL चौहान, SD हाउसिंग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के